हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम एक स्टेटमेंट दी होती है और पूछा होता है कि बताइए इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, जहाँ आपको पूछा जाता है कि रिसर्च के रिगार्डिंग कौन कौन सी बातें ट्रू है, तो आपने कोई तीन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें मैक्सिमम पता होना चाहिए कि क्या क्या रिसर्च में होता है, क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो अगर आपको ये कंसेप्ट्स आते होंगे भी क्या क्या शब्द उसमें हम इंक्लूड करते हैं, तो आप इन आंसर क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च के एक तरह के मैंने नोट्स हैं, आपने इनको बाद में नोट कर लेना है एक पेपर पे और आपका ऑब्जेक्टिव का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। पहले देखिए, टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में कि रिसर्च है क्या। रिसर्च, टू सर्च अगेन, दोबारा से सर्च करना किसी चीज के रिगार्डिंग, तो दैट इज रिसर्च। तो डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, न्यू फैक्ट्स को फाइंड करना ही एक तरह की रिसर्च है। मतलब हमने अपने ऑलरेडी मिली हुई हमारे पास जितनी भी नॉलेज है उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, न्यू फीचर्स, न्यू फैक्ट्स ऐड कर रहे हैं, तो यही है रिसर्च। सेकंड, हमारा ऑब्जेक्टिव रिसर्च का है क्या, टू वेरीफाई एंड टेस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। हमने जो पहले फैक्ट्स बना लिए कोई भी, उनको वेरीफाई करना, टेस्ट करना कि वो एक्चुअल में वो फैक्ट्स है भी या नहीं, उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, पहला तो हो गया फैक्ट्स को फाइंड करना, फिर हो गया उनको वेरीफाई एंड टेस्ट करना। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है, टू एनालिसिस एन इवेंट और प्रोसेस और फिनोमिना टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, किसी के किसी चीज के कारण कोई चीज हुई। ठीक है, मान लीजिए कुछ भी, कोई भी कॉज एंड इफेक्ट की चीज ले लो। बी इफ यू, अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट अगर हम लेते हैं, अगर आपने स्टडी अच्छी की तो आप एग्जाम में पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट क्या है, पास होना, कॉज क्या है, स्टडी अच्छी। ठीक है, टू एनालिसिस एन इवेंट और प्रोसेस और फिनोमिना, तो किसी भी चीज को एनालिसिस करना, कोई इवेंट हो, प्रोसेस हो, कोई फिनोमिना हो, उसको क्यों एनालिसिस करना, ताकि उसमें से हम कॉज एंड इफेक्ट निकाल सकें। तो ये मेन हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया किसका, रिसर्च का। नेक्स्ट देखते हैं, टू डिवेलप न्यू साइंटिफिक टूल्स। इस चीज को आपके दिमाग में रखना है अच्छे से कि इसमें साइंटिफिक टूल्स को भी डिवेलप करते हैं। मैंने जैसे आपको एरियाज बताए थे कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये यूज होता है रिसर्च, ऐसा नहीं है। ये एजुकेशन, लिटरेचर, लैंग्वेज और सभी स्ट्रीम्स में लगभग ये यूज होता है, जहां पे भी न्यू इन्वेंशंस की, न्यू डिस्कवरीज की जरूरत हो। टू डिवेलप न्यू साइंटिफिक टूल्स, कंसेप्ट एंड थ्योरीज टू सॉल्व एंड अंडरस्टैंड साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। अगर हमारी लाइफ में कोई भी साइंटिफिक या नॉन साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है, तो उनको सॉल्व करने के लिए कोई टूल्स, कंसेप्ट या थ्योरीज बनाना ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। आगे देखते हैं, टू फाइंड सोल्यूशन टू साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। मतलब हम किन किन चीजों का सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे। पहली चीज तो फैक्ट्स को, न्यू फैक्ट्स को फाइंड करना था, फिर क्या था, उनको वेरीफाई करना था। अब क्या हो गया भी, हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। टू फाइंड सोल्यूशन टू साइंटिफिक, नॉन साइंटिफिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स। चाहे साइंटिफिक प्रॉब्लम है, चाहे नॉन साइंटिफिक है, चाहे सोशल प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए भी हम क्या करेंगे, रिसर्च। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, टू ओवरकम और सॉल्व द प्रॉब्लम। अगेन हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉब्लम की। ठीक है, अब हमारी डेली लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं, उनका सोल्यूशन लेने के लिए हम रिसर्च यूज करेंगे, राइट। तो पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है, टू फाइंड न्यू फैक्ट्स या टू ऐड न्यू नॉलेज टू अवर नॉलेज बेस। उसके बाद क्या आ जाएगा इसमें,
टू ओवरकम और सॉल्व प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चाहे हमारी डेली लाइफ की हो, साइंटिफिक हो, नॉन साइंटिफिक हो. आगे देखते हैं, टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमिना और टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू इट. किसी भी फिनोमिने को समझने के लिए, कोई कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? रिसर्च. मैंने रिसर्च की एक टाइप भी दी है, इसमें कौन सी यूज़ होगी? एक्सप्लोरेटरी. नेक्स्ट वीडियोस में हम इसकी टाइप्स को कवर करेंगे, क्योंकि टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको चेक कर लेना, क्योंकि टाइप्स पे हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है जी. और इनके जो मॉक टेस्ट हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी हम साथ साथ वीडियोस में कवर करेंगे. तो मेन रिसर्च का मतलब क्या है? लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक सर्च है ये. एक तरह की रिसर्च होती क्या है? लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक. ठीक है, लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक है. और रिसर्च में करते क्या है? सर्च समथिंग, टू सर्च टू फाइंड आउट समथिंग. ठीक है, ये एक तरह की सर्च फॉर नॉलेज है. ठीक है, फैक्ट्स को फाइंड करना, फैक्ट्स को वेरीफाई करना, एनालिसिस करना हमने, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट निकालने के लिए, न्यू थ्योरीज बनाना, ये सारे हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स है. इनको आप ध्यान से कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिल जाए. काफी फॉलोअर्स अभी भी मुझसे पूछते हैं, मैम हमें ये टॉपिक नहीं मिल रहा, शायद आपने पोस्ट नहीं किया, जबकि वो अब ऑलरेडी चैनल में पड़ा है वो टॉपिक. तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट चेक करनी है. अलग अलग टॉपिक पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे यूजीसी नेट पेपर वन की भी प्लेलिस्ट है, वहां पे क्लिक करना है आपने, और क्लिक करके आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जो जो वीडियोस मैंने पोस्ट की है. ठीक है, ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर के किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो यूजीसी नेट के लिए, तो उसकी भी स्टडी आप वहां से कर सकते हो. थैंक्स अ लॉट.